हेलो तो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इब्रार फ्रॉम इब्रारटेक यूट्यूब चैनल। आखिर तो दोस्तों ये दिन आ चुका के पबजी को बैन कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। तो दोस्तों क्यों किया गया, कैसे किया गया, ये सारी जितनी भी हम इसकी स्टोरी है हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों आपने यार कुछ हफ्ते पहले या एक हफ्ता पहले ये न्यूज या ये अफवाह सुनना आपने शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो पबजी है वो बैन होगी या नहीं होगी। बट दोस्तों तब कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर पीटीआई की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज नहीं किया गया था कि भाई बैन हो रही है नहीं हो रही। बट दोस्तों कल के दिन पीटीआई ने भी ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो पबजी है उसको हम आरजी तौर के लिए बंद कर रहे हैं। तो आपके यार माइंड के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि वाई, क्यों यार पबजी बैन कर दी गई है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके पीछे रीजन ये है कि लाहौर के अंदर यार तीन ऐसे सुसाइड केस आए कि उनके सुसाइड केस आए, तो उनके घर वालों ने क्लेम किया कि भाई ये जो हमारे बच्चे हैं इनकी जो सुसाइड का रीजन है वो पबजी गेम है, मैच हारने की वजह से ये इन्होंने सुसाइड कर ली। तो उन्होंने जाके लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी ये मीन्स दर्ज किया मुकदमा कि भाई हमारे बच्चों की जो सुसाइड का रीजन है वो पबजी गेम है, ये बहुत पबजी गेम खेलते थे, ये बहुत एडिक्टिव गेम है, इसके अंदर एक दफा जो घुस जाए तो वो घुसता ही चला जाता है, तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे वो पबजी खेलते हैं, तो इस वजह से जो हमारे बच्चों के ऊपर ये मेंटेलिटी ऐसी पड़ी के उन्होंने वो सुसाइड कर ली। तो दोस्तों उसके बाद लाहौर कोर्ट ने पीटीआई को बोलकर ये पबजी आधी तौर के अंदर बैन करा दी। जो अभी जो पबजी है उसके जो सर्वर है उनको मीन्स क्रैश कर दिया गया है पीटीआई की तरफ से। तो यार आप ये सोचते होंगे कि यार पीटीआई ये कैसे मीन्स बैन कर सकती है, कैसे उन्होंने बैन किया होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर इतनी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको बैन किया हुआ है, आप में से ज्यादा जानते हैं, तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट है जिनको पाकिस्तान के अंदर बैन किया गया है। तो पबजी के जो सर्वर है उनको भी मीन्स पीटीआई वालों ने बैन कर दिया। तो दोस्तों अभी होता क्या है, जितने भी आपके गैजेट है, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट, आपके मोबाइल है, इनके अंदर एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे आप इसको नेट से कनेक्ट करते हैं या वाईफाई से कनेक्ट करते हैं या अपनी सिम डाल के इसको कनेक्ट करते हैं, जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो पीटीआई के पास ऑलरेडी होता है। तो वो उस आईपी एड्रेस के जो दूसरी मीन्स वेबसाइट होती है जो पबजी की होगी उससे उसको कट कर देगा, मीन्स वहां तक आपकी रीच नहीं पहुंचाएगा। अब भी आप जो भी अपने क्रोम के अंदर सर्च करते हो ये सबसे पहले हमारे पीटीआई के पास जाते हैं, वो आगे से आपको एक्सेस देते हैं कि आप उस वेबसाइट पे जाओ या नहीं जाओ। जो बैन होगी उस पे आपको एक्सेस नहीं देगा, जो बैन नहीं होगी उसको आपकी एक्सेस दे देगा। अभी आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि यार हम वीपीएन यूज करते हैं तो ये क्या सीन है। तो यार वीपीएन का जो सीन ये है कि आप वीपीएन जैसे इंस्टॉल करते हो, जो इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हो, उसके बाद एक अपने आईपी एड्रेस चेंज करते हो। अभी आप जैसे आईपी एड्रेस चेंज करते हो तो उससे होता क्या है, जो आपका जो पीटीआई की तरफ जो हमारे पाकिस्तान की जो आईपी एड्रेस होती है उसको आप उसका कनेक्शन तोड़ देते हो, और जिसे भी आपने अमेरिका का लगाया, जापान का लगाया, चाइना का लगाया, जहां का भी आपने आईपी एड्रेस लगता है तो वो आपके उस सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो वो वेबसाइट उस कंट्री में ओपन होगी तो वो आपको एक्सेस दे देगा, मगर पाकिस्तान वालों को लगेगा कि ये बंदा चाइनीज में बैठा है, अगर आप बैठे हो भला पाकिस्तान के अंदर, बट आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो उनको लगता है कि यार हाँ ये अमेरिका में बैठा है, ये चाइना में बैठा है, तो वो आपको जो भी आप सर्च करोगे वो चाइना वाले आपको उस वेबसाइट तक एक्सेस देंगे। तो वीपीएन भी ऐसे काम करता है। तो बस इतना ही था आज के लिए। तो पबजी बैन हो चुकी है, पबजी की वजह से बहुत लोगों के यार घर चल रहे थे, अभी पता नहीं उनका क्या होगा। तो हम आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।